महोबा में प्रियंका गांधी की आगामी 27 नवंबर की प्रतिज्ञा रैली को लेकर कांग्रेस ही उत्साहित है। पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने कहा कि प्रियंका गांधी महोबा में पीएम नरेंद्र मोदी से भी बड़ी और विशाल रैली करने आ रही हैं। बुंदेलखंड के महोबा में प्रधानमंत्री के दौरे के 7 दिन के बाद प्रियंका गांधी भी महोबा में 27 नवंबर को प्रतिज्ञा रैली करने आ रही हैं। प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेसियों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड में जनाधार तलाश रही कांग्रेस को प्रियंका की रैली से काफी उम्मीद है। यही वजह है कि आज पत्रकारों से वार्ता करते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने बताया कि महोबा शहर के छत्रसाल स्टेडियम में प्रतिज्ञा रैली 27 नवंबर को होनी है, जिस पर प्रियंका गांधी बिजली बिल हाफ बाकी सब साफ का नारा देंगी। साथ ही इस रैली से प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री के महोबा दौरे को लेकर भी जवाब देंगी और कहा कि प्रधानमंत्री का महोबा कार्यक्रम सरकारी खर्च के भरोसे था, सिंचाई विभाग ने खर्च किया और लोगों की भीड़ सरकारी खर्च में इकट्ठा की गई। लेकिन प्रियंका गांधी की रैली गरीबों की रैली और मजदूरों की रैली है, जिसमें लोग अपने खर्च से प्रियंका को सुनने पहुंचेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रियंका गांधी की रैली में 2 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी। तो वहीं प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण की गई अर्जुन सहायक परियोजना को लेकर प्रियंका गांधी बयान दे सकती हैं। बुंदेलखंड में राजनीतिक जमीन तलाश रही कांग्रेस को संजीवनी देने का काम प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली करेगी, ऐसी उम्मीद कांग्रेसियों को है। मोदी जब यहां आए थे तो बार बार टारगेट कर रहे थे परिवारवाद को, परिवारवाद की राजनीति। क्या लगता है कि वो सीधा प्रियंका या उनके परिवार को को राजनाथ सिंह को पार्टी से निकाल देना चाहिए ना। राजनाथ सिंह को जो अपने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थी दुष्यंत जी की माता जी, पूरे परिवार को निकाल दें, बाहर क्या दिक्कत है। हिमाचल प्रदेश में बात ये नहीं है, बात ये है कि आप फकीरी का चोला पहनते थे, आपने क्या किया देश के लिए, फकीर बन के आए थे और अब पेट्रोल आपने 100 के पार कर दिया। बोले शुक्र है 3 सीटों में लोगों ने शक्ल उनके चेहरा असली चेहरा दिखाया, जहाँ पर 10 रुपये कम कीमत हुई। आप तो फकीर का चोला पहन के आए थे, कहाँ बैठे हैं आप 10 लाख का सूट पहन के। आप माननीय अडानी को पूरा देश बेच के आप बैठे हैं और बात करते हैं परिवारवाद की, तो ये तो सब झूठी बातें हैं। और मोदी जी खुद जानते हैं कि उनकी बातों में सच्चाई नहीं रही और जनता ने विश्वास करना छोड़ दिया है। बहुत बड़ी परियोजना का लोकार्पण किया है, आपको पता है प्रधानमंत्री जी ने, तो क्या लगता है कि बुंदेलखंड की 19 सीटें उसमें कुछ मिलेगा आपको। परियोजना इनकी ऐसी थी जैसे उमा भारती ने कहा था कि मैं जल समाधि लूंगी बुंदेलखंड नहीं बनाता हूँ, ऐसी इनकी परियोजनाएं हैं। तो इनकी परियोजना पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया, परियोजना के 15 लाख रुपए देने के भी तो कहते थे। तो बुलेट ट्रेन सब कुछ तो बोले बनारस को टोक्यो बना देंगे, बनारस में हर बाढ़ में पानी यहाँ तक आता है, छाती तक पानी आ जाता है। तो इनकी परियोजनाएं वादे सब झूठे जुमले। अब तो लोग आप गूगल भी करेंगे जुमले के नाम से नरेंद्र मोदी लिखा हुआ आता है। तो देखिए बुंदेलखंड हमेशा से जनाधार एक अलग मसला है, सबसे बड़ा मसला है बुंदेलखंड की जनता की आवाज़, उनके लिए संघर्ष। राहुल जी ने कहा था बुंदेलखंड को हम आगे बढ़ाएंगे विकास करेंगे, तो यहाँ पे 7,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था और किसानों का कर्ज माफ़ी की गई थी और कोशिश की गई थी गरीब को इस लोकतंत्र में उसका बकाया मिले। और आगे भी कांग्रेस पार्टी जनाधार तो अपने आप मिल जाए, जनाधार का सवाल नहीं है। मोदी जी ने लोगों को बकाया जा देने बैकिंग, लोग वापस आ गए हैं सबके सब। हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों सीटें कांग्रेस जीती है, 3 विधानसभा 1 लोकसभा। मैदान में काफी लोग, लाखों लोग आ जाएंगे, कुछ लोग आ जाएंगे, हम कुर्सी लगाएंगे, मेजरमेंट करेंगे। आप बनारस में सुनिए, मैं तो आया हूँ, सुनिए उसी पे मार रहा हूँ। 27 को एक पत्रकार पूछ रहे थे कितने लोग आए हैं, मैंने पूछा रैली के बाद मैं आपसे पूछूंगा कैपेसिटी कितने कितने लोग आए हैं। तो आपने भी आपने इन दो उनको उठा रखा है माइक्स को, तो मैं कहूँगा आप फिर से 27 को आना रैली स्थल पे, तो मैं आपसे पूछूंगा कितने लोग आए हैं। कम से कम 2 लाख लोग यहाँ पहुँचेंगे जी। प्रियंका जी आखिर महोबा में ही क्यों, क्या प्रधानमंत्री को जवाब देने आ रही हैं, क्या कार्यक्रम है? देखिए प्रियंका जी हमेशा हर उस इंसान को जवाब देती हैं जो इस देश की भाईचारे में विश्वास नहीं करते, जो इस देश के बंधुत्व में विश्वास नहीं करते। और जहाँ तक जवाब का सवाल है, प्रियंका जी ने पहली रैली जो की थी उत्तर प्रदेश चुनाव के समय, जो भी चल रहा है पूरा, पहली रैली उन्होंने बनारस में की थी जिसमें कम से कम 1.5 लाख लोग आए थे। और उस दिन आप हमारे पत्रकार साथी ने बताया
कि इतनी बड़ी रैली बनारस में आज तक खुद प्रधानमंत्री नहीं कर पाए हैं, खुद पत्रकारों ने बात कही बनारस में, दूसरी रैली उन्होंने गोरखपुर में कही और गोरखपुर में इतनी भीड़ आई, फिर से पत्रकारों ने वही बात की कि आज तक गोरखपुर में इतने लोग खुद योगी जी के आने पर नहीं हुए। अब तीसरी रैली महोबा में है और महोबा बुंदेलखंड का एक ऐसा छोर माना जाता है, बीच का एक हिस्सा है जहाँ से एक कनेक्टिविटी और जहाँ पे एक लंबा संघर्ष रहा है, एक लंबा संघर्ष का इतिहास रहा है और इस धरती पे प्रियंका जी पहुँच रही हैं 27 तारीख को, और निश्चित हमारी रैली जो नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे आए थे प्रधानमंत्री जी, उनसे बड़ी ये रैली होगी। और खैर उनकी रैली तो बहुत सरकारी थी, जिस रैली का कार्यक्रम का पैसा सिंचाई विभाग दे तो उस रैली से हम अपना क्या ही कंपेयर करें। ये हमारी रैली तो गरीब मजबूलों की रैली है, गरीब व्यक्ति पैट काट के अपने साधन लगा के आता है, अपने दो वक्त की रोटी छोड़ के गाड़ी में बैठ के किराया दे के यहाँ तक पहुँचता है, ये रैली उस व्यक्ति की रैली है। उनकी रैली का पैसा तो पूरे सिंचाई विभाग ने दिया, वो तो नाप सुनाप कुछ भी लगा लें, और फिर भी हमारी रैली उससे बड़ी है हुई। ये रैली संघर्षों की रैली होगी, ये रैली उत्तर प्रदेश के सम्मान के लिए होगी और ये रैली इस प्रदेश में बहन बेटियों के सम्मान के लिए, मजदूर के सम्मान के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, कर्ज माफी के लिए। महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ, पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ, जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए, बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए, पांडे मिष्ठान भंडार बरुआ सागर बस स्टैंड। PK University, build a great career at PK University. Admission open for medical science, B pharma, M pharma, BSc, BTech, MTech and polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.